देखो भाई तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चला हुआ है, ठीक है। इसमें हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 6.5 है, जिसमें सीखेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा और खाली मैक्सिमा और खाली मिनिमा। चार नंबर का क्वेश्चन ये लगा लो, इस टाइप का आता है बस, ठीक है। ये सीख लेना अपना, इस टाइप का दो क्वेश्चन पड़ते तुम्हारे लिए। इसमें एक फॉर्मूला और आएगा तुम्हारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, बस ये तुम्हारे तीन तरह है पूरी एक्सरसाइज में। एक तो क्या पूछा है अगर इधर क्या पूछा है, एक तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा और खाली मैक्सिमा और मिनिमा, इसमें एब्सोल्यूट और मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। तो देखो क्या बात होगी, दो तरीके से मैं बता, इसका मतलब क्या है, मतलब ये बात पूछ रहा है मैक्सिमा का मतलब क्या है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर हम तुमसे 10 ये फंक्शन दूं तो तुम मेरे को बता दो लेकिन सर मैं कुछ भी रखूं इसमें तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, कम से कम कितनी आ सकती है वैल्यू, सोच के बता कुछ भी रखो। मैं मेरे को एक कभी -10 दे देगा, कभी नहीं देगा, क्या दे सकता है मिनिमम, ये चीज है। बट इस फंक्शन में दिक्कत है मेरे को निकालने में, तो मेरे पास आएगा ये पैटर्न जो भी होगा। फिलहाल मैंने बता दी भाई जीरो के ऊपर कितनी वैल्यू आएगी इसकी, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो कुछ नहीं हो सकती, और मैक्सिमम कितनी है इसकी, मैक्सिमम कुछ नहीं है, इन्फिनिटी के बोले मैक्सिमम है ही नहीं, कुछ कुछ रखोगे बड़ा बड़ा मिलता रहेगा हमेशा। अभी जैसे मैं इस फंक्शन की बात करूँ x³ है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी नहीं है, और ना इसकी क्या है मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ ये तो मुझे मानी बता दो ऐसे क्वेश्चन, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ क्या हो सकती है, कम से कम कितने दे सकता है, अगर आप यहाँ पे जीरो रखो क्या रखो जीरो, तो आपका कितना आएगा जीरो के ऊपर वन, आपने तो 10 से छोटा रखा देखता -1 रखो क्या रखो -1, जीरो से छोटा है ना, तो किसी का स्केयर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, तो -1 के ऊपर तो क्या है ये कौन सा बड़ा है भाई, तो ये होगी मेरी मिस के अलावा इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो क्या ठीक है। अभी हम इसके तरीके ढूंढे जो बड़े बड़े हैं ना, ये इनको देखो हम कैसे करेंगे, किस तरीके से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तुमको सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कंसेप्ट बाद में बताऊंगा, पहले मैं अपना ये वाला क्वेश्चन उठा रहा हूँ सेकंड वाला, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहली बात भाई मैक्सिमम वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट पे होगी ना, और मिनिमम भी किसी ना किसी पॉइंट, तो पहले मैं वो पॉइंट निकालता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, इसका डेरिवेटिव कर लो, कितना आएगा डेरिवेटिव बताओ, इसके फैक्टर बताओ क्या होंगे जल्दी से, बता इसके इसका सर है, इसमें तो कॉमन ले लेंगे, ये इसमें था इसमें था। क्या बनेगा फैक्टर, जैसे 3 × 3 हो गया -3 -1 -3 -1 -1, ठीक है। अभी कितना कॉमन आ रहा है शुरू के दो में से, x तो x -3 यहां से माइनस बना रहा है ना कॉमन, जी जी, तो कितना मिल गया, अभी ये x -1 एंड x -1 ये मेरे फैक्टर बन गए। अभी यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, तो 0 हो गया, एक तो आ गई 1 एक आ गई 3। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन तुमने जितने भी क्वेश्चन सारे ऐसे ही करना है, एक पहला स्टेप समझ आ गया, सबसे पहले डेरिवेटिव कर दूंगा, जीरो को इक्वेट कर दूंगा, एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा। एक्स की वैल्यू आने के बाद अब तुम्हारे पास ना यहाँ से दो मेथड आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के, दो मेथड है वो देखो क्या है। एक तो है तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक आएगा तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दोनों अपनी अपनी जगह पे ना अपना अपना काम करेंगे, कई बार आपको ये बहुत आसान लगेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और कई बार क्या आसान लगेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। पहले मैं आपको ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करवाता हूँ, दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से करेंगे। अभी एक्स की वैल्यू क्या है 1 और 3, तो यहाँ पे 1 रख लो, यहाँ पे 3 रख लो बस। अभी आपको क्या कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है देखो, इसके आसपास का कोई भी नंबर रख ले आसपास का, उसके ऊपर अगर तेरी वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव, क्या आ जाती है पॉजिटिव,
मेन बात कैसे मेरा वन है बटा, जो ये मेरी एक्स की वैल्यू जो है ना, यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर मेरे को या तो मैक्सिमम मिलता हो या फिर मिनिमम, ये बात है। बट मेरे को ये नहीं पता किसके ऊपर क्या मिलेगा, इसके ऊपर मिनिमम है मैक्सिमम, तो वो मैं कैसे पता करूंगा। जैसे मेरा मन है ना, देखो एफ डैश एक्स है ना मेरा, ये अगर इसका साइन तुम्हारा चेंज हुआ पॉजिटिव से, तुमने इसके पास का नंबर लिया भाई, जब तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, इसके इधर कर लिया तुम्हारा क्या आ गया, देखो साइन क्या चेंज हो रहा पॉजिटिव से, तो ये जो पॉइंट है ना इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ है, और इसको मैं रख दूँ ह्यूमन इक्वेशन में, वहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी फिर वैल्यू। अब इसका साइन चेक करते क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे मेरा एफ डैश एक्स ये है ना आपका, इसके आस पास का नंबर बताओ कोई भी, जिनके ऊपर मिलेगी वैल्यू। जैसे अगर आप यहाँ पे बात करो इस क्वेश्चन में, आपको किसके ऊपर वन मिला था, जीरो के ऊपर, जब आपने जीरो दिया तो आपको कितना मिला था, तो ये तो है मिनिमम वैल्यू, और वो किसके ऊपर आई थी, तो वो है पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये है वैल्यू है फंक्शन की, वो चीज है, ये मेरे पॉइंट्स है। अभी पता करेंगे इसके ऊपर क्या आएगा, अभी इसके आसपास का नंबर बताना जस्ट नजदीक का, और आप यहाँ पे भी रह सकते हो फैक्टर्स में, बिकॉज आपको बस साइन देखना, आपको प्रॉपर वैल्यू निकालनी है, कभी सोल्व करने लग जाओ टू टू जाओ, जस्ट यहाँ पे रखे चेक कर लेते हैं इसके आसपास का नंबर देखो, अगर मैं 0.5 रखूं क्या रखूं, आपको ज्यादा दूर का लेना, ये क्वेश्चन ऐसा है ज्यादा, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं -10 भी ले सकता हूं वो गलत हो जाएगा, नजदीक का लेना, मैंने 0.5 लिया तो यहाँ पे रखो जस्ट, बताओ क्या आएगा 0.5 पे, नेगेटिव ही बनेगा क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ पे भी क्या बनेगा नेगेटिव इनटू नेगेटिव, तो ये मेरा साइन मिलेगा मेरे को एक पॉजिटिव देगा, ठीक है भाई। अभी इसके दूर का 1.5 लोग क्या लेते हैं, 1.5 पे ये क्या बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि बड़ा है ना ये, और ये क्या बनेगा पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, देख भाई मेरा साइन चेंज हुआ, साइन चेंज कैसे हुआ पॉजिटिव से, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सो वन इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मतलब इसके ऊपर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। अभी तीन की बात करते हैं, अगर तुम्हारा जो साइन है ना, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब क्या होता है मिनिमम होता है, तब मेरे को मिनिमम मिलेगा। तीन के ऊपर देखो इधर तो क्या है मेरा, अभी उधर की बात करते हैं, तीन के उधर देखो क्या आएगा, 3.5 ले लो, इसमें क्या आएगा बड़ा है पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, देखो भाई क्या साइन चेंज हुआ है नेगेटिव से, इसका मतलब तीन के ऊपर क्या मिलेगा मेरे को पॉइंट ऑफ है, 3 इज द पॉइंट ऑफ है मिनिमा। अभी मैं इन एक को और तीन को फंक्शन में रखे हुए वैल्यू निकालता हूं कि वो वैल्यू है क्या जो मिनिमा और मैक्सिमा है, देख भैया। तो पहले निकाले एफ ऑफ 1 कितना आएगा, एफ ऑफ 1 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 कितना हो गया, 25 माइनस 10 19 आ गया, ठीक है। ये मेरी आगे भाई क्या वैल्यू है, ये मैक्सिमम। अभी मैं निकालता हूँ मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 6 इंटू 3 का प्लस 9 इंटू प्लस 15 27 54 27 और 15 देख भाई 54 हो गया, कट गया तेरा, कितनी वैल्यू आई 15। आप खुद भी सोच सकते, देखो जो मैंने तरीका बताया ना तुमको, मैथमेटिकल भी है, सबसे पहले मैंने स्टेप क्या लगाया था, डेरिवेटिव कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई थी, फिर मैंने यहाँ से चेक किया कि भाई ये मिनिमा देगा ये देगा, कौन सा मिनिमा मैक्सिमा देगा, तो पता लगा एक के ऊपर तो क्या वैल्यू आएगी मैक्सिमम और तीन के ऊपर मिनिमम। यहाँ से देखो मैंने पता भी कर लिया, देखो एक के ऊपर बड़ी तो है, देखो ना एक के ऊपर क्या है बड़ी है, और तीन के ऊपर क्या है छोटी है, तो एक तरीका होता था बेटा, तुम्हें इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी, इसकी जरूरत ही नहीं, अगर मैं आपके वैल्यू ए एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा हो रहा, अभी यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यू एक्स की, तो जब आप रख दोगे आपको वैसे पता लग जाएगा किसके ऊपर बड़ी है किसके ऊपर छोटी है, तो ये इन्होंने वैसे दे रखा फिलहाल हम, अगर मैं ये बिना ये करे अगर मैं सीधा रखता तो मेरे को पता लग जाता, देखो वन के ऊपर क्या ये बड़ी है, तो वन इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और थ्री इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। दिक्कत ये चीज मैं कब लगाऊं एग्जाम में, अगर ओनली आपके पास एक ही वैल्यू आए तब तो नहीं पता लगेगा बेटा मैक्सिमम है मिनिमा है, अगर मैं ये हटा दूं फिलहाल के लिए तीन वाला, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो ये मैक्सिमा है मिनिमा है, एक के तो है, तब मेरे को इसका अप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरे को पता, जैसे अभी यहाँ पे मेरे को पता कर लिया था हाँ भैया तो क्या है पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा या मैक्सिमलस की मिनिमम वैल्यू कोई होती नहीं है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आती है आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हो, बट एक वैल्यू आती है तो आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा टेस्ट अपना कौन सा है, सेकंड डेरिवेटिव, उसका भी पता करेंगे। ये आपके लिए दिक्कत दे देगा जब आपका वैल्यूज होगी थोड़ी अजीब सी पॉइंट में हो जाएगी। अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखो कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं करना बेटा, इसका ना दोबारा डेरिवेटिव कर दे। क्या करते इसका दोबारा डेरिवेटिव, ये काम तो करना ही है, वैल्यू निकालनी है, सेम है, डेरिवेटिव कर दे। कितना हो जाएगा, 6x माइनस 12 बस। अभी क्या करना है तेरे को, देख जान से अभी जो ये वैल्यू आई है ना इसमें रख के चेक करते हैं, इसको 1 के ऊपर चेक कर, ये बता पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। बेटा अगर तेरा नेगेटिव आ जाए ना तो उल्टा है, तेरे को ना 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा। क्या देगा, देख ले बेटा वहां से नहीं आया ना, तो ये आसान है वो आसान था, दोनों आसान है लगी, तो सीधा इसमें करोगे डेरिवेटिव कर लोगे पता लग जाएगा, 1 को रख के चेक करो, अगर इसका साइन तुम्हारा नेगेटिव आ गया मतलब क्या लिया जाए, तो मैं बोल दूंगा सो एक्स इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और वैल्यू को हमेशा कहां से निकालूंगा, इस रकम में रख के, वैल्यू तो बाद में आएंगी, ये तो मेरे को मैं पता कर रहा हूँ कि किस पे मैक्सिमम मिलेगा किस पे क्या मिलेगा मिनिमम मिलेगा, जस्ट ये बात है। तो ये बात अपनी ध्यान रखना, जब भी तुम्हारा डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा क्या है, तो उस केस में एक्स अपना क्या होगा बेटे, मिनिमम क्या होगा, हाँ मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। और जब आपका ग्रेटर देन 0 आए तब क्या होगा, मिनिमम होता है, इसमें एक्स आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। अब इसमें देख लो, अब की बार क्या रखते हैं, 3 रख दो, कितना आएगा, बस ये देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव ग्रेटर देन क्या है, सो भी कैंसिल है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी, मिनिमम। अगर आपने देख लिया था तो ये आपके दो टेस्ट करने के आगे बढ़ सकते। अभी और क्वेश्चन देखो, इसमें सिंपल क्वेश्चन आ रहा हो तुम्हारा, इसी टाइप का आ जाएगा रानागोड़ में चार नंबर का। अभी देखो इसमें एक होता तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ उसमें देखो क्या होता होगा भाई, कई बार ऐसा आएगा जैसे एक पॉइंट ले लिया कुछ चेंज ही नहीं होगा साइन में, पॉजिटिव का क्या मिल जाएगा तुमको या फिर नेगेटिव में भी क्या मिलेगा, इस केस में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसमें क्या बोलते हैं ना इधर मैक्सिमम और ना तो मैक्सिमम ना मिले, इस केस में आएगा। देखो मेरा जैसे मेरे पास अभी ये फंक्शन है, ध्यान से देखना इसको, ये फंक्शन है भाई, मेरे को भी बताना है कि इस फंक्शन की ना तो कोई मैक्सिमम ना ही कोई क्या है, तो सीधा पहले डेरिवेटिव करेंगे, मेरा जो फर्स्ट है एज इट इज लगा इसका डेरिवेटिव। अभी एक बात बता, मैं वैल्यू निकालने के लिए इसको किसके बराबर रखता हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है, जो कभी जीरो होगा ही नहीं, बस हम क्या बोलते हैं ना इधर मैक्सिमम और एक बात बताया यार, इसकी वैल्यू से तो कुछ भी ले ले, रियल माइनस वन भी ले ले, क्या ले ले, तो ये हो जाएगा ये क्या, इधर को कभी भी जीरो दे दे रहा है, और इसकी वैल्यू काम कर जीरो ले ले, क्या ले ले, किसी के पास जीरो क्या होती है, कहां से जीरो कभी दे नहीं सकता ये, तो मेरे को कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी एक्स की, मेरे को कोई एक्स की ऐसी वैल्यू मिलेगी नहीं, इसमें क्या दे दे मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम पॉसिबल होगा, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे कुछ भी नहीं होता तुम्हारा बस। और जैसे अगर मैं इस केस में वन की बात करूं ना, वन तो वन को मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिकॉज इस पे साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। एक केस और होता था, मैंने तुमको अभी ये बताया था, इस पे मिनिमम मिलता है ना, बट अगर मेरा ये जीरो के बराबर आ जाए तब कैसे पता लगेगा यार, इस केस में हो जाता डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल, ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे फेल हो जाएगा, तब मेरे को किसका सहारा लेना पड़ेगा, सिंगल का। इसलिए ये तो कब काम करेगा जब आपकी इसके ऊपर जीरो ना बने, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं ये ले लेता ना, जैसे मेरा ये आता तो तुम इसको नहीं अप्लाई कर सकते भाई, और मेरे एक्स की वैल्यू वन आती ना, कितनी आती है बेटे, तो वन के ऊपर देखो क्या हो जाता है, ये ट्वेल्व इंटू वन माइनस, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बता कर सकता इसके बारे में, तो मेरे को वहीं पे जाके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें नहीं करना कुछ भी। अभी एब्सोल्यूट के बारे में देखते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा, देख भाई इसका मतलब देख क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हारे लिए ग्राफ बनाया, देख भाई पहली बात एक बार दोबारा देख लो, लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, देखो एक बात होता है लोकल का मतलब क्या होता है, वैसे इंग्लिश का वर्ड है, ऐसे तुम सारे यार लोकल के नहीं हो ना, वैसे तो लोकल है कोई, लोकल का रोटर में रहता है, तो लोकल का मतलब क्या, आस पास का भाई, देखो कोई इंटरवल होगा उसके आस पास के इंटरवल पे हम बात कर रहे हैं वो लोकल होता है। ऐसे एक बात बता, यहाँ पे वन मिल गई, सोच लो यहाँ पे क्या मिली, जीरो पॉइंट फाइव, यहाँ पे क्या मिली, जीरो पॉइंट तीन लगा दो,
तो अभी वन और टू इसके इन दोनों के इंटरवल के बीच में तेरे को भाई यहाँ पे वैल्यू मिल रही है ना मैक्सिमम, तो ये लोकल है मतलब 0.5 के आस पास के इंटरवल अगर तू लेगा तो इसके ऊपर तेरे को कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ और यहाँ इंटरवल यहाँ दो रुपए तो इसके बीच में क्या मैक्सिमम वैल्यू दिखे तेरे को, क्योंकि मैक्सिमम तो यही मिलेगा ना बिल्कुल पीक पे। यहाँ पे कितनी मैक्सिमम है 0.5, यहाँ पे कितनी है कितनी मैक्सिमम है 0.5 और मिनिमाइज होगा लास्ट में बिल्कुल, इसका मिनिमाइज होगा इसका मिनिमाइज होगा ठीक है। अब देख क्या होगा भाई, तो लोकल जो आता है आसपास के इंटरवल मिलेंगे तेरे को, क्या मिलेंगे इंटरवल। और खाली मैक्सिमा की बात करूं तो एक ही बात होती है, बट अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूं देखो भाई तेरे पास अलग अलग इंटरवल है ना, यस सर, इन सभी में सबसे बड़ी कौन सी है, ये भी अपने आप में बड़ी है इस इंटरवल के लिए, और इस इंटरवल के लिए क्या बड़ी है, और इस इंटरवल में सबसे बड़ी कौन है वन, तो ये मेरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये क्या है एब्सोल्यूट सारी आपकी वैल्यू जाएंगी, बट सबसे बड़ी को मैं क्या बोल दूंगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोल देंगे। अभी इस क्वेश्चन अभी जो आपका पिछला क्वेश्चन था ना, जैसे x बराबर 1 है, x बराबर क्या है आपका, तो आपको ना तो डेरिवेटिव करना कुछ भी नहीं करना, आपको 1 और 3 को सीधा रख दूंगा। जैसे 1 के ऊपर आपका कितना आया था 19 और 3 के ऊपर कितना आया था, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितनी होगी 19 सीधा आंसर। अभी इसके बाद करते हैं, देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ तुम्हारा बोर्ड में, डेरिवेटिव कर दो इसका कितना आएगा cos x माइनस है, इसको कर दो 0 के बराबर इक्वेट, cos x is equal to sin x। अभी बोथ साइड की से डिवाइड कर दो इसको cos x से कर दो, मेरे को ना यहां से वैल्यू निकालनी सीखो ध्यान से कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में कैसे x की वैल्यू निकालूंगा। 1 बराबर कितना हो गया tan x, 1 किस पे होता है पाई बाय 4 पे, तो x की वैल्यू कितनी आई पाई बाय 4 बस ठीक है। बट एक बार ध्यान देखना बेटा, इसकी मेरे को क्या बतानी है एब्सोल्यूट है मैक्सिमा एंड और किस इंटरवल के ऊपर है, देखो मैं कह रहा था आपको ऐसे इंटरवल मिलेंगे तो 0 से पाई के ऊपर देखो एक वैल्यू एक बात था बेटा पाई बाय 4 के बीच में है ना, और यहां पे क्या लगा हुआ है क्लोज, क्या लगा हुआ है इसमें डाल दे रही थी, तो इसका मतलब बेटा क्लोज है तो ये वैल्यू भी होगी मेरी होगी सर। ये ध्यान रखना बेटा मेरे पास 3 वैल्यू आई x की, तो एब्सोल्यूट वाले जितने भी क्वेश्चन होगा आपको क्लोज मिलेगा, क्या मिलेगा बिकॉज भाई एक बात बताया ना जैसे ये मेरी कर्व है इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ नहीं होगी भी, इसकी मिनिमम कहाँ होगी, तो ये जो इंटरवल है ना जैसे यहाँ पे 2 पे मिली तो 2 भी तो इंक्लूड हो सकता है ना, जैसे अभी आपकी एक्स की वैल्यू तो है क्या पता है इनमें मैक्सिमम मिल रहा हो, तो इसलिए जब भी एब्सोल्यूट की बात करोगे तो क्लोज मिलेगा, ये भी लेनी आपको वो भी लेनी है और इसके बीच में रहनी चाहिए बाई चांस बेटा और भी वैल्यू जाती है। वैसे तो अगर मैं 3π/4 की बात करूँ ना तो इसके ऊपर भी आ जाएगी, बट फिर क्या बात होगी बेटा वो इससे बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा इसे बाहर निकल जाएगा, इसको हम मिलेंगे हालांकि रेंज में रह गए तो बट ऐसे वैल्यू भी है जिसके ऊपर मैं मिलेगा बट वो इससे कहाँ निकल जाएगा, तो मेरे को इस इंटरवल में बात करनी है। अभी मेरे पास 3 वैल्यू आई है एक्स की, अभी मेरे को ना तो डेरिवेटिव करना ना कुछ और करना, सीधी है 3 वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे स्टेटमेंट में। अरे भाई इसी को सुन, एक वैल्यू तो यहाँ से है जी, 2 मेरी यहाँ से है, अभी इसमें रख दो 0 के ऊपर कितनी वैल्यू आपकी 0+1 नहीं हो गया वो 0-1 होता है, और पाई बाय 4 की बात करते हैं अभी, पाई बाय 4 के ऊपर कितनी वैल्यू आ रही है देखो 1/√2 + 1/√2 एलसीएम आ गया 1+1 कितना आ गया 2/√2 रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका हम, तो नीचे क्या बन गया 2 बन गया ना रूट टू आ गया, कौन सा बड़ा है वैसे वैसे रूट टू बड़ा है 1 बड़ा है 1 बड़ा है ए रूट टू विद रूट टू की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है 1.414 और अभी पाई पे रखो पाई साइन पाई प्लस cos pi sin pi क्या होता है अभी 0 cos pi क्या होता है माइनस 1 क्या होता है तो ये माइनस 1 आ गया। अभी ये देख लो सबसे बड़ी कौन सी है ये रूट टू तो किसके ऊपर आई है वो तो ये होगी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये चीज होती है बस जितनी जो एक्स की वैल्यू आई उठा दे रख दो जिसके ऊपर बड़ी है आपका आंसर आ जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितनी हो गया आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और रूट दो और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है सबसे छोटा -1 इसके ऊपर आई है वो पाई के ऊपर तो एब्सोल्यूट मिनिमा -1 आ गई। तो ये क्वेश्चन है भाई पूरे एक्सरसाइज में और इसमें कुछ भी ठीक है समझे करके दिखाओगे अभी सुबह
सेम चीज है, ट्राई करो जल्दी करो भाई, करो करो।